नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने आज सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री मेघवाल ने ग्रामीणों से कहा कि वे जागरूक होकर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठावें। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने पहली बार नवाचार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय सभागार से 10 जिलों के डिस्कॉम अधिकारियों से बातचीत कर उनके कार्यों की समीक्षा की। प्रबंध निदेशक ने सभी वृत्त के अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर सभी डिस्कॉम अधिकारी अपने अपने वृत्त में बिजली चोरी रोकने के सार्थक प्रयास करें व इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। तारानगर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटों में पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। इसको अपराधी ने मुकदमा दर्ज करवाया था अपनी नाबालिग बच्ची के साथ, उसके एक रिलेटिव ने दुष्कर्म किया था। इस बाबत नागरमल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। वो टीम ने मानसा जिले में पंजाब से आरोपी शोकरण को दस्तयाब कर थाने पर पेश किया, जिसको बाद में गिरफ्तार किया जा चुका है। कल आरोपी को पेश नहीं किया। जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर जिले में चल रहे आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण अभियान के तहत आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश में लाइन स्टाफ को काढ़े का वितरण किया गया। ये आज आयुर्वेद विभाग की तरफ से पुलिस लाइन में काढ़ा पिलाने का जो प्रोग्राम रखा गया, इसमें कई तरह की मौसमी बीमारियां और गंभीर, जैसे डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, डॉक्टर साहब बाकी ज़्यादा जानकारी डॉक्टर साहब होंगे, उनसे बचाव के लिए ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। और सभी पुलिस लाइन के जवान ऑफिसर्स और उनके परिवारजनों को आमंत्रित किया गया यहाँ पे। और बहुत अच्छी पहल है मैडम एसपी साहब के निर्देशानुसार, ये जो आज काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम है ये आगे भी जारी है। आज का ये प्रोग्राम है वो पुलिस लाइन चूरू में, और ये काढ़ा पिलाने का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवार सभी को ये काढ़ा है वो पिलाया जा रहा है। और ये काढ़ा है वो मौसमी बीमारियों से बचाता है। तो इस टाइम सर्दी जुकाम खांसी यही है वो बड़ा रूप लेके स्वाइन फ्लू डेंगू आदि में और ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये काढ़ा पीने से और इन बीमारियों से बचाव होता है। इस हेतु राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग द्वारा निर्देशित किया गया प्रतिदिन और ये काढ़ा बर्तिया हॉस्पिटल चूरू एवं अन्य औषधालयों में भी और ये नियमित रूप से पिलाया जाता है। चूरू में भाजपा कार्यालय में आज पंकज गुप्ता के पुनः भाजपा जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। जिला प्रमुख हरलाल सहारण की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन में समन्वय और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम नीचे तक हर कार्यकर्ता तक पहुँचे, उसके प्रति कार्यकर्ता और हमारी विचारधारा और जो मोदी सरकार की योजनाएं लाभ है वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही तीन हमारे उद्देश्य हैं। हम और मजबूती के साथ, कई बार युद्ध की एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्थिति होती है कि दो कदम पीछे हटके भी वार किया जाता है। नगर निकाय चुनाव में जो हम मंथन कर रहे हैं और जो कमियां रही उन सबको समझ कर उनमें सुधार करके दुगने जोश के साथ पंचायत चुनाव में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला चूरू के तीसरी बार श्री पंकज जी गुप्ता के अध्यक्ष बनने पर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ जिला कार्यालय में उपस्थित है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद क्षेत्र में अनूठा प्रयोग शुरू करने जा रही है। इसके लिए रतनगढ़ पंचायत समिति भवन के पीछे परिसर में खाली जमीन को प्रशासन ने इन्हें जैविक खेती करने के लिए उपलब्ध करवाया है। इस जमीन पर आजीविका से जुड़ी महिलाएं जैविक खेती व सब्जियों का उत्पादन करेगी। साथ ही कस्तूरबा कॉर्नर के अंतर्गत कैंटीन का भी संचालन होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही मंत्री भंवरलाल मेघवाल इसका शुभारम्भ करेंगे। जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी हुई है।
पिछले 4-5 दिन से सुबह शाम घना कोहरा छा रहा है। सरदार शहर में आज सुबह भी घना कोहरा छाने के कारण सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दिया और कोहरे के दौरान सड़कों पर कम वाहन दिखाई दिए। सुबह 8:30 बजे दृश्यता 50 मीटर रही और वाहन चालकों को वाहनों की लाइटें और फोग लैंप जलाकर चलना पड़ा। मेगा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी कम रही। लोगों ने अलाव सेक कर सर्दी से बचने का प्रयास किया। यहाँ सरदार शहर के अंदर कच्चे स्टैंड के अंदर हम ताप रहे हैं अभी और अग्नि का सहारा लेकर के बैठे हुए हैं और बहुत भयंकर सर्दी है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब कांपते हुए आते हैं और मैं भी दूसरे गांव जाऊँगा, अभी दूसरे गांव जाना मुझे, यहाँ कोई साधन है नहीं और वो बड़ी दूर से आए चल के, उपाय क्या है? बहुत भयंकर सर्दी है और ये प्राकृतिक की जो अध्ययन है इसमें सब कप कप आ गए और ये सरदार शहर का एरिया जो है यहाँ कोई साधन भी नहीं है, किसी चीज़ का साधन नहीं है। अब ये सरदार शहर के बस स्टैंड पर बैठा हुआ हूँ, अलाव का सहारा लेके बैठा हूँ। बहुत बड़ी भयंकर सर्दी है, बहुत सर्दी है, गंभीर सर्दी है बाबा। पहला सुख निरोगी काया। त्रिनेत्र टीवी के इस विशेष अभियान के तहत आज चूरू के बालिका महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा के द्वारा महाविद्यालय की बालिकाओं को योग करवाकर स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। इस अवसर पर योगाचार्य ने कहा कि आज के समय में तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, ये राजस्थान सरकार ने भी निरोगी काया एक निरोगी राजस्थान एक अभियान चलाया है। हमारा पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत हम लोग हर स्कूल में, बड़ी स्कूल जो 12th तक है, कॉलेज, वहाँ सब में जाकर और आप सबको योग की जीवनचर्या की दिनचर्या की जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, पेट भाटा भर को हो रहे हैं, बोले दगड़ से हो रहे हैं और हवा भरी पड़ी है सब और सिर माथो तो सब कोई तत्व है कि नहीं बतला लो, अरे तत्व रहे थे अच्छे नहीं तो किए भाई ला में तो किए के भाई सहेलियां हैं आपके तो मारे जी यार भाई ला हुआ है तो बंग भाई ने तत्व की कोई को नहीं हो बढ़ते हैं और ये क्या होता है यार घर आ जाता ही होता तो बेटा चाह बना ही रहे दो जना आ गया मेरे को बड़े न मैं आग थी हो गए तो आई हूँ क्या की चाह है ना वो है तत्व पढ़ो तो अखबार बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये खींचा तब आपको कहां दर्द हुआ? सबको एक ही जगह हुआ? कटिया हुआ क्या? खींचो तो और दर्द सिर्फ हो रहा है, ऐसा नहीं है, दर्द यही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पिंडलियों के पीछे की जो वायु की नस है, जो बहुत बड़ी मोटी नस होती है, पीछे साइटिका की भी होती है, पीछे हमारे पेट से जुड़ी हुई वेद है जो अंगूठे से जुड़ती है और ऐसे जाती है, उस वेद में वायु भर चुकी, टाइट हो चुकी है, गांठे आ गई है, उसको तानना है। अगर पाइप के अंदर काई जम जाए, उसको टेढ़ा मेढ़ा करे तो क्या होगा? उसकी काई निकल जाएगी, पाइप निकल जाएगी। चूरू के दादाबाड़ी में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार व किड्स होम के संयुक्त तत्वाधान में आज नववर्ष उत्सव को समारोह पूर्वक मनाया गया। सभापति पायल सैनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर सभापति ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार विभिन्न स्टॉलें, वैज्ञानिक प्रदर्शनी व मॉडल्स की भी सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव एडवोकेट आनंद बालान ने की। इस अवसर पर सदस्य भरत कोठारी, सुरेश कुमार बैद, नौरतम कोठारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खासोली गांव में आज पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह में सरपंच, पंचों व जिला प्रमुख हरलाल सहरान का शॉल व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच बबीता शर्मा ने की। हमारे पंच और सरपंचों का द्वारा
पांच साल का सोने अच्छा काम करने पर है। हमारे सरपंच साहब ने, पंचों ने, सबने विदाई समारोह रखा है। सरपंच साहब को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हमारी खासोली ग्राम पंचायत में, ये तो नहीं कहूंगा आगे नहीं होगा, मगर आने पीछे जितने सालों में जो काम हुआ उनसे पांच गुना अधिक इस पांच वर्ष में काम हुआ, मैं बधाई धन्यवाद दूंगा और सभी वार्ड पंचों को सरपंच साहब बधाई दूंगा कि इन्होंने पांच साल का अच्छा कार्य किया। सरदार शहर कस्बे के हनुमानगढ़ रोड तेजा गार्डन के पास आज दोपहर सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि आसपाल सर निवासी गिरधारी लाल पुत्र किशन लाल मेघवाल और गिरधारी लाल की पत्नी बबीता बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक पिकअप ने टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। होटल से आगे मेगा हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर आसपाल सर गांव के दो एक लेडी जो है एक उसकी घरवाली थी, सरदार सर की तरफ आ रही थी, किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिनका लेकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती करवाया, अब इनको रेफर कर दिया दोनों को। सादुलपुर में आज गोस्वामी समाज की ओर से जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने रेलवे स्टेशन सहित जहां भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे उनको कंबल वितरित की गई। इस मौके पर समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं चूरू में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए यहां के समाज सेवी भी समय समय पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में शिशुपाल जांगिर के आर्थिक सहयोग से समाज सेवी रामचंद्र राजोतिया ने जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरित की। आज चूरू की कड़ाके की जो सर्दी है, इस सर्दी के अंदर हमारे जो छोटे भाई शिशुपाल जी जांगिर, इनके तरफ से आज जो कड़ाके की सर्दी में जो परेशान हो रहे हैं उनको हम स्वेट रिजाइया वगैरह कंबल वगैरह दे रहे हैं। तो हमारे के बीकानेर से अनिल जी सेल्स मैनेजर साहब आए हुए, उनके सानिध्य में दीपक जी एलआईसी ब्रांच मैनेजर साहब के, इनके साथ से हमने 10 लोगों को कंबले भी वितरण करी है। ये कार्यक्रम हम रोज चालू रखेंगे, कोई भी जरूरतमंद होगा उनको कड़ाके की चूरू की सर्दी के अंदर सर्दी नहीं लगे इसके लिए व्यवसाय कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभागीय निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर रन फॉर निरोगी राजस्थान के तहत रैली निकाली गई। पीओ कुलदीप व्यास ने तहसील के गांव लोहा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी भैराराम प्रजापत ने बताया कि रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई चौपाल तक पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने निरोग रहने के लिए स्वच्छता का महत्व बताया। सादुलपुर के स्थानीय मोहता महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से संचालित शिविर के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर दिनेश बासोतिया ने बताया कि शिविर में आज स्वयं सेविकाओं ने 10-10 के 5 ग्रुप बनाकर पार्क व सार्वजनिक चौक की सफाई की व संपूर्ण परिसर में पौधरोपण भी किया। रतनगढ़ के राजकीय जालान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत चल रहे विशेष शिविर के दौरान शनिवार को श्रमदान के उपरांत बौद्धिक सत्र में स्वयं सेविकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। उप पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में 3 महिला पुलिस कमांडो ने एनएसएस शिविर में स्वयं सेविकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। मुख्य अतिथि मीणा ने स्वयं सेविकाओं को संतुलित आहार लेने पर जोर देते हुए फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी। सांसद राहुल कस्वा ने आज चूरू स्थित आकाशवाणी रिले केंद्र का दौरा किया और यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही साथ वे कंपेयर्स और अनाउंसर से भी रूबरू हुए। आज आकाशवाणी चूरू में आने का मौका मिला, काफी युवाओं से मुलाकात हुई, काफी स्टाफ से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए चल रहे हैं और सभी जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी हैं और उसके बारे में मुझे अवगत कराया है। मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कंसर्न अधिकारियों से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम्स हमारे चूरू लोकल आकाशवाणी यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी आ रही है, उनके लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि उनका समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाए। भादरा तहसील के ग्राम जगासरी छोटी में आज शमशान भूमि में ग्रामीणों द्वारा सफाई अभियान चलाकर एक अनूठी पहल की है। वहीं इस अवसर पर शमशान भूमि में कमरे बनाने की भी घोषणा की गई। आज गांव जगासरी छोटी की शमशान भूमि में ग्रामीणों द्वारा सफाई अभियान चल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ स्वर्गीय श्री हरदत्त राम कस्वा की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ स्वर्गीय श्री हरदत्त राम कस्वा की समर्थि में उनके पुत्रों द्वारा भी दूसरा कमरा बनाने की घोषणा की गई है।
गांव में जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सभी अपने खुद के खर्चे पे सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। इसके साथ अन्य ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करने वाले समस्त ग्रामवासियों का ग्राम युवा समिति की तरफ से धन्यवाद। इसके साथ ही ग्राम युवा समिति है जो गाँव की जिगासरी छोटी की वो भी जेसीबी का खर्चा वहन करेगी। धन्यवाद। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीना देसर में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयन मोहम्मद अनवर कुरेशी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्वर्गीय शंकरलाल मोट की पुण्य स्मृति में प्रभु दयाल व रमेश मोट द्वारा जरूरतमंद 125 छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट श्री भगवान द्वारा बीना देसर हॉस्पिटल में सर्दी के बचाव के लिए 5 हीटर भी भेंट किए गए। सरदार शहर प्रेरणा मंच के रविवारी साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आज की स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ी रोचक बात यह रही कि घना कोहरा छाने के बावजूद भी स्वच्छता अभियान में एक छोटी सी बच्ची रितिका रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करने पहुंची। अगर नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने शहर की स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक हैं तो हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेते हुए शहर में स्वच्छता के प्रति अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सरदार से प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, लोक रंगीन परिषद, ताल ट्रस्ट, गांधी विद्या मंदिर और हमारी नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 2-3 सालों से ये रविवार ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो यहाँ पर स्वयं सेवक है, जो हमारे सदस्य है इन संगठनों से जुड़े हुए, वो किसी न किसी शहर के एक सार्वजनिक स्थल की और स्वच्छता का कार्य करते हैं। सुबह 7 से, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए 7 से 9 का समय है, नहीं तो 6 से 8 का समय हुआ करता है। और रविवार अब इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह से पूरी दूर देखिए आप पूरे रेलवे स्टेशन की स्वच्छता कर रहे हैं। सरदार शहर में रावतमल सैनी परिवार के सौजन्य से झुग्गी झोपड़ियों में गर्म वस्त्र, कंबल, दरी आदि वितरित की गए। इस अवसर पर डॉक्टर मोनिका सैनी ने कहा कि व्यक्ति को कभी भी अपने लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों की जरूरतों को देखते हुए उनकी मदद भी करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। राजल देसर में आज गोगा भवन के पास 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गणेश मंदिर में मंगल कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। कथा का वाचन वृंदावन के गोपाल दीक्षित महाराज के द्वारा किया गया। यह था आज का चूरू अपडेट और अब चलते चलते देखते हैं मंगल सिंह महला का कैरी केचर। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।